आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में फिर एक बार मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 14 वर्षीय मासूम हवस का शिकार हो गई है। आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक बताया जा रहा है। मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ हालत खराब होने की वजह से पीड़िता को संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी सहित मऊगंज थाना प्रभारी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के इलाज को प्राथमिकता दी। इस पूरे घटना को लेकर पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी 13 वर्षीय मासूम बेटी घर में अकेली थी। मां खेत में काम करने गई थी और वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तभी पड़ोस में रहने वाला 25 वर्षीय आरोपी राकेश साकेत ने किशोरी को उसके ही घर में बंधक बना लिया, जिसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की चचेरी बहन ने चीख पुकार की आवाज सुनी थी, लेकिन उसने पिता के द्वारा मारे जाने की बात सोचकर अनसुना कर दिया। काफी समय बीत जाने के बाद भी पीड़िता चीखती रही तो पड़ोसियों ने शंका के आधार पर जब दरवाजा खुलवाया तो आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा सरगर्मी से की जा रही है। वहीं पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों को जुड़ा चिकित्सकों की हड़ताल का सामना करना पड़ा। दुष्कर्म पीड़ित किशोरी के मामले में भी घंटों मरीज को भर्ती करने में चिकित्सक आनाकानी करते रहे। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पीड़िता का उपचार किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। ये कुछ नहीं, हम लोग घर में नहीं रहे, कोई थी वो बच्ची भी रही उसके साथ, वो कहाँ रहा बगल बाजू वाला उसके घर के आए और वो बच्ची आगे गए और जो उन्हें तो पीछे से वो गए तो किवाड़ा बंद कर लिए और वो अंदर हो गया। वो बच्ची छटपट आए उसका मारे और मारे के बाद उसके साथ बलात्कार किए। और वो दूसरा हमारा भतीजी जो उन्हें तो गए तो एक बार गए किवाड़ा बंद रहा तो सोचे कि बड़ी अम्मा है मारत हुई तो वो थोड़ा पछिल गए बाहर हो गए। फिर दूसरा जो उन्हें तो गए तो वो निकल पड़े तो वो फिर जो उन्हें हल्ला गुल्ला किए तो फिर जो उन्हें तो पूरे नहीं गए तो फिर हल्ला किए तो हम लोग बाहर रहे तो फिर सब लोग अरे कितने लोग हम लोग बाहर रहे तो फिर आ गए गांव में डबरी हो। अरे एक लड़का 25-26 के है, वो राकेश है, वो चन में लेचारी में बुल्ला बुल्ला कहा थे।